अगर आप लोग जामिया मिलिया इस्लामिया में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गया है। चाहे वो नर्सरी हो, क्लास वन हो, थ्री हो या क्लास सिक्स हो, तो जो भी क्लास के लिए अभी एडमिशन जो है शुरू किया गया है उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आके। आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको ज्यादा डिटेल जानना है, जैसे एग्जाम कब होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, तो सारे कुछ जो है इस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, तो आप आकर के जो है यहाँ पे देख सकते हैं। एक सब चीज दिया हुआ है कि किस क्लास का कब एग्जाम होगा, वो सारी चीज कुछ भी मिलेगा। तो इसमें बहुत डिटेल है, टोटल 43 पेज है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। मैं सिर्फ फॉर्म भरना बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर जब भी आपको फॉर्म भरना हो तो सिंपल सा सर पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जब वेबसाइट का कुछ फॉर्म जो है इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट पूछा जा रहा है, मतलब जिस बच्चे का हम नाम एडमिशन कराना चाहते हैं उस बच्चे का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। मिडिल नेम कुछ होगा तो देना है, नहीं तो डायरेक्ट जो है लास्ट नेम दे देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके लिए इसको ओपन करना है, जिस भी तारीख को जन्म होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे महीना सिलेक्ट करना है जिस मंथ में जन्म हुआ होगा, और यहाँ से आपको साल चुन लेना है कि किस साल में बच्चे का जन्म हुआ है। जिस भी साल में जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद जो है जेंडर चुन लेना है जो भी होगा। यहाँ पे फादर का नाम पूछा जा रहा है, फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है, मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे मदर का नाम दे देना है जो भी होगा, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है जो भी ईमेल आईडी होगा। इसके बाद जो है पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड जो है 8 करेक्टर का कम से कम होना चाहिए, उसमें कुछ एक नंबर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के बता दे रहा हूँ कि किस तरीके का चाहिए। एक जो है आपको कम से कम बड़ा अक्षर रखना पड़ेगा, कुछ छोटा अक्षर रखना है, कुछ जो है नंबर रख लेना है, और @ या परसेंटेज कुछ भी आप रख लो कम से कम एक, और इस तरीके का पासवर्ड रखेंगे तो ले लेगा। चलिए मैं इसी तरीके का पासवर्ड जो है रख देता हूँ। इसमें सेम पासवर्ड इसमें देना है, और यह करने के बाद जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको इसमें दे देना है। उसके बाद जो है जो भी यहाँ पे दिखेगा वो कैप्चा कोड वो आपको यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद जो है साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, एक बार सब चीज चेक कर लेना है कोई गलती ना हो, और उसके बाद जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारा जो है यह डिटेल आ जाता है। आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी ओपन करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से ईमेल आएगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, नीचे पे यहाँ पे जो है एक लिंक दिया हुआ है, सिंपल सा इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है एक्टिवेटेड हो गया है। अब मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के लिए यहाँ पे साइन इन कर रहेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है जो आपने ईमेल आईडी अकाउंट बनाते वक्त दिया था, और जो यहाँ पे पासवर्ड दे देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिंपल सा सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं, माई एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे पोस्ट टाइप सेलेक्ट करना है, इसमें सारा आपको मिल जाएगा, नर्सरी से लेके क्लास वन से लेके क्लास सिक्स, इस तरीके से सारा डिटेल मिलता है। जो भी आपको कोर्स करना हो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है कोर्स नेम सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका कोर्स होगा, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, और ऐड दिस कोर्स देख रहे हो ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है इस तरीके से डिटेल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक एक करके जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे पहला जो है आपको एप्लीकेशन डिटेल ये कंप्लीट करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। जैसे आप एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे या कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे जो स्कूल है वह स्कूल आपको चुन लेना है। यहाँ पे कैंडिडेट नाम में पहले से आपको आवेदन करते हैं एप्लीकेंट में नाम देते हैं वही नाम यहाँ पे आ जाएगा जो भी बच्चे का होगा। यहाँ पे फादर नेम मदर नेम सब पहले से रहता है, बस आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी जिस भी कास्ट में आता होगा, जनरल एससी एसटी जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे आपको जो है नीचे आना है, यहाँ पे नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका नेशनलिटी है। यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर चुनना है जहाँ पे आप अपने बच्चे का टेस्ट दिलवाना चाहते हैं वो चुन लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी चुन लेना है जो भी होगा, और चुन लेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लड ग्रुप बता देना है, जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा बता देना है, अगर नहीं पता है तो ये वाला चुन लो आप। यहाँ पे गार्जियन कोई होगा तो उसका नाम देना है, नहीं तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर से आते हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है लास्ट अटेंड स्कूल देना है, तो जो भी लास्ट स्कूल होगा उस स्कूल का नाम यहाँ पे दे देना है, अगर नहीं होगा तो एनए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपको भी अरेस्ट किया गया, आपको छोटा बच्चा उसको क्या अरेस्ट किया गया, अगर ऐसा है तो यस करूंगा, नहीं तो नो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो है किसी यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी आपको रिवोट किया गया, गया है वो आपको पूछा जा रहा है, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वायलेशन के डिसिप्लिनरी के अगेंस्ट कोई भी आपका पे कोई केस पेंडिंग है तो वो बता देना है, यस या नो जो भी होगा वो आपको बता देना है। यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फादर का बताया जा रहा है कि कितना पढ़ा लिखा है, जितना भी पढ़ा लिखा है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मदर का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, जितना भी पढ़ा लिखा है वो आपको बता देना है।
यहाँ पे एड्रेस बता देना है, जो भी हाउस नंबर होगा वो बता देना है, यहाँ पे लैंडमार्क जो भी होगा वो दे देना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो है, जो भी आपका एड्रेस होगा पूरा एड्रेस दे देना है। मैंने बस ऐसे ही एक एड्रेस दे दिया है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। ये देने के बाद नीचे आ जाना है। ये ऊपर में जो आप देते हैं ये परमानेंट एड्रेस होता है, अब आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर दोनों सेम होगा सिंपल सा इस पर क्लिक कर दो, उससे क्या होगा जो आप इसमें देते हैं वही यहाँ पे आ जाता है। नीचे आकर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है आपका ये हो जाएगा और आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रखना है बच्चे का फोटो अपलोड करना है, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ भी फोटो होगा वो चुन लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना है। इस पर फोटो अपलोड होने लगेगा और फोटो अपलोड होकर फोटो दिख जाएगा इस तरीके से। तो बच्चे का करना है, मैं आप लोग का फॉर्म बता रहा हूँ इसलिए मैं अपना अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे सिग्नेचर बच्चे का सादा पेपर पर करवा करके उसको अपलोड करना है, वो भी यहाँ से इस पर क्लिक करना है, जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा उसको चुनना है, ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरीके से दोनों जो है अपलोड हो जाता है। ध्यान रखना है ये फोटो सिग्नेचर जो है बच्चे का होगा, नीचे जो है यहाँ पे गार्जियन होगा, जो भी माता पिता में से कोई भी एक अपना अपलोड कर सकता है। तो इन सब चीज़ों में गलती नहीं करना है। यहाँ पे बच्चे का फोटो जाएगा, बच्चे का सिग्नेचर जाएगा, यहाँ पे माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर जाता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सिंपल सा यहाँ से क्लिक करना है, जहाँ भी पेरेंट्स में से किसी का भी सिग्नेचर होगा वहां पे जाना है और चुन करके ओपन पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है तीनों अपलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यह हो जाता है। अब आपको यहाँ पे एकेडमी डिटेल देना है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 5 का पूछा जा रहा है, उसके लिए इस पे क्लिक करना है। किस साल में क्लास 5 पास होगा वो आपको बता देना है। यहाँ से यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बता देना है, जहाँ पे अभी बच्चा पढ़ रहा है जिस स्कूल में, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इंग्लिश सबका रिजल्ट मांगा जा रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर दो, आपको जो है ये सब देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो आप। उसके बाद यह पूछता है, इसको आपको ओके कर देना है। जिसके बाद जो है यह फॉर्म सारा भरा हुआ इस तरीके से आ जाएगा, सबसे चेक कर लेना है कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो है आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कन्फर्म सबमिट का बटन देखना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है यह फॉर्म आपका सक्सेसफुली जो है भरा जाता है और कंप्लीट हो जाता है। अब आपको पेमेंट करना होगा, उसके लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट देखते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको यह जो फीस है वो 500 रुपये है, क्लास 6 के लिए दे देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे ऑनलाइन में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यह चुन लो, डेबिट कार्ड, SBI इंटरनेट नेट बैंकिंग सब ऑप्शन मिलता है, जो भी होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे जो है टोटल 512 रुपये का चार्ज लगेगा, क्योंकि 12 रुपये 82 पैसा जो है बैंक की ओर से चार्ज किया जा रहा है। यह करने के बाद अब आपको प्रोसीड टू पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यह आएगा, आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजिंग कार्ड देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी कार्ड नंबर होगा वो कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे आपको एक्सपायरिंग मंथ दे देना है और एक्सपायरिंग ईयर दे देना है, किस साल में कार्ड एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे कार्ड के पीछे 3 अंक का कोड होगा वो दे देना है। और यहाँ पे जिसका कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम देखें, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो यह अभी मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया है। तो आपको जो है सिर्फ एप्लीकेशन और ये दिखेगा, ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अभी मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए इस तरीके से आ रहा है। हम आपको दोबारा प्रिंट करना हो निकालना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर के व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो है स्टेटस भी दिख जाएगा और यहाँ से जो है आप फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ से जो है दोबारा जो है आप फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हो।